हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने GT3 के अंदर अपने फेवरेट कार कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, नई कार्स को कैसे डाल सकते हैं अपने GT3 के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल रखी है अपने लैम्बोर्गिनी विनेनो कार डाल रखी है GT3 के अंदर, उसी तरह से आप अपनी फेवरेट कार्स को डाल सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ी कार्स को ऐड करने या रिप्लेस करने की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है, बहुत अलग होती है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो प्लीज़ भाई लोगों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए, इसकी मत कीजिए, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। आपने स्टेप मिस करोगे तो आपके गेम के अंदर कार्स नहीं आ पाएगी, चाहे आप कितने भी कार्स ऐड कर लो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, सही से देखिए, अगर नहीं आता तो कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई से भी कार डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन वो GT3 की होनी चाहिए। चाहे आप वो GT Insider से डाउनलोड कीजिए या फिर मेरे दी हुई डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा पहले आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वो कार्स मैंने चेक करी हुई है कि कोई कोई कार्स ऐसी होती है कि आप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन वो कार गेम के अंदर नहीं आएगी और गेम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो यार इस टाइप के बग्स रहते हैं कुछ कार्स में, तो मैंने वो सभी कार्स को चेक करके आपको दिया हूँ। वो 5 कार्स है, लैम्बोर्गिनी की है, कुछ और टाइप है, ऑस्टन मार्टिन से। तो वो सभी कार्स में आपको लिंक दिया हूँ, 9 पासवर्ड है, ठीक है। आप चाहे तो वो डाउनलोड कर लीजिए या आप चाहे तो आप GT Insider से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वो कार GT3 की होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, सही से देखिए वीडियो को। अगर आप देखो इस वीडियो को पहली बार तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो लाते रहता हूँ, मॉड पैक लाते रहता हूँ, मॉड पैक से रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ और मॉडिंग के ट्यूटोरियल्स भी लाते रहता हूँ। और GT3 का मॉड पैक कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ मैंने रिप्लेस कर दिया हूँ, लेकिन इसमें बहुत कम कार्स है जिसके कारण मैं कार्स बहुत कम ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मॉड पैक बहुत जल्द आएगा, उससे पहले आप देख लीजिए कि आप अपनी फेवरेट कार कैसे ऐड कर सकते हैं GT3 के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, सही से देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी GT3 की कार्स का पैक, या फिर आप कोई से भी कार्स डाउनलोड कर सकते हो GT Insider से, या फिर मेरी दी हुई लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो 9 पासवर्ड है मेरी फाइल का, मैंने इसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके अंदर आपको 5 कार्स मिलेगी, BFF और TXT दोनों फाइल से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सिस्टम उल्टा है तो कन्फ्यूज मत होइए, मैं आगे आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगा, ओके। तो बैक आ जाइए, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके OBB डाटा की, GT3 का OBB डाटा। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको जाना है, उसके अंदर आपको मिलेगा मेन फाइल का फोल्डर, उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है और ओपन एज RC पे क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर आपको बहुत सारी फाइल दिखेगी, आपको मॉडल्स के अंदर जाना है, मॉडल्स के अंदर चल जाइए और यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारी फाइल्स, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम उल्टा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड आपको अपने GPU का नाम दे रखा हो, उनके वर्ड से दे रखा हो कौन से GPU के लिए कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। और राइट साइड में यहाँ पर दे रखी मैंने फाइल्स, उन फाइल्स को आपको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट फाइल फिक्स वेग ATC यानी वो एंड्रोनो के लिए थी, और दूसरी फाइल देख लीजिए फिक्स वेग DIR डेस्ट एंड टैगेरा वाले, ठीक है। दो दो फाइल्स को आपको कॉपी करना है, बस यहाँ पे उसके बीच में देख लीजिए कौन सा GPU कौन से फाइल आपको कॉपी करनी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों फाइल्स आपको कॉपी करनी है और कौन सा GPU आएगा वो आप अपने GPU के अकॉर्डिंग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट के 2 फाइल कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि वो एंड्रोनो की है, वो मेरा GPU है तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके। वो मैंने कैसे डिसाइड किया, यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट साइड में आपको GPU को नाम मैंने दे रखा है, तो उसके तरह आपको कॉपी करनी है, ठीक है। तो मैं इन दोनों फाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इन दोनों फाइल्स को, आपने अपने GPU के लिए कॉपी कर लीजिए, मेरा एंड्रॉइड है तो मैंने ये दोनों फाइल को कॉपी किया, ठीक है। तो कॉपी करके आपको कहाँ ले जाना है, इसे आपको इसे अपने एंड्रॉइड के डाटा के अंदर ले जाना है, डाटा के अंदर ले जाइए। और यहाँ पे आपको अगर आपने गेम खेला होगा तो एक फोल्डर बन जाएगा GT3 वाला, कॉमडोर रॉकस्टार GT3, इसके अंदर आपको जाना है फाइल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको GT3 का फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो GT3 का फोल्डर बना लीजिए, इसके अंदर आपको जाना है और इसके अंदर आपको मिलेगा एक मॉडल का फोल्डर। अगर मॉडल का फोल्डर नहीं है तो उस फोल्डर को क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। मॉडल के फोल्डर को क्रिएट कर लीजिए और उसके अंदर जाके आपको इसे आपने जो फाइल कॉपी की उसे जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। मेरे को रिप्लेस करने को बोल रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी
बहुत सारी फाइल को कॉपी करके रख रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ मेरी फाइल्स को। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप कोई भी रिप्लेस करते तो, ठीक है। तो मैं अपने फाइल्स को रिप्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। तो हमारी फाइल्स आ चुकी है, देख लीजिए यहाँ पे फेसबुक ATCDIR और IMG वाली, ठीक है। दो फाइल्स मेरी एंड्रॉइड और GPU के लिए थी, तो मैंने वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ, ठीक है। तो दो फाइल्स आ गई हमारी, अब आपको बैक आना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कार्स को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे आपको कोई भी टेक्सचर को एडिट करना नहीं पड़ता, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, बस आपको अपना GTIMG टूल ओपन करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। और अभी आपने जो फाइल्स को पेस्ट किया है, कॉपी की है, उस फाइल्स को आपको ओपन करना है। देख लीजिए मैंने मॉडल्स के अंदर रखी थी, तो यहाँ पे देख लीजिए फिक्सफिग ATC.img, ये मेरा एंड्रॉइड GPU की फाइल है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करना है आपको, ओपन कर लीजिए सेलेक्ट करके। यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही कार दिखेगी, एक कार की फाइल मिलेगी डेवे और TSD, ठीक है। ये पूरी फाइल खाली है, इसके अंदर आपको सिर्फ ऐड करनी है फाइल्स को, कार की फाइल्स को आपको ऐड करना। और GT3 के अंदर आपको सिर्फ कार्स को ऐड करना होता है, रिप्लेस करना नहीं होता, ठीक है। तो आपने जो भी कार डालोगे सिर्फ वो ऐड करना है, ऐड फाइल्स पे क्लिक करके सभी कार्स को आपको डालना है, ठीक है। तो अभी जो हमने कार्स निकाली थी वो सभी कार्स को आपको सेलेक्ट करना है, डेवे और TSD दोनों फाइल्स को आपको कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको TSD फाइल को भी ऐड करना होता है, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए सभी के सभी फाइल्स को और सेलेक्ट पर क्लिक कर दीजिए, उस टाइप से प्रोसेसिंग बताएगा और आपकी DFF और TSD दोनों के दोनों फाइल्स इसके अंदर चल जाएगी और आपके गेम के अंदर कार आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको रिबिल्ड जरूर करना है, ठीक है। रिबिल्ड हो गया और बस आपके गेम के अंदर आपकी जो सारी कार्स होगी वो आ जाएगी। और ये वीडियो मैंने अपने सब्सक्राइबर पर बनाई है, आप में से बहुत से बंदे बोल रहे थे कि मुझे हमें कार ऐड करना बता दो कि GT3 में हम कैसे ऐड कर सकते हैं कार्स को। तो गाइस अब मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, अच्छे से देख लीजिए वीडियो और ट्राई करिए एक बार कि आप अच्छे से इंस्टॉल कर पाओ अपनी कार्स को GT3 के अंदर। और मेरा मॉड पैक बहुत जल्द आने वाला है GT3 का, उसके अंदर आपको न्यू रोड्स और न्यू कार्स मिलेगी, ठीक है। काफ़ी अच्छे से ग्राफिक्स में इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ और लगभग बन चुका है मॉड पैक। अगर आपको इस टाइप की वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मॉड पैक पसंद है, मॉड पैक से रिलेटेड वीडियोज पसंद है, तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो लाते रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।